सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो से ली गई खबर। हरियाणा में रक्षाबंधन के दिन सरकार ने बस सेवाएं फ्री कर दी थी। फ्री बस सेवा पर भी सरकार की नहीं मानी निजी बस ऑपरेटर ने। लोगों को स्टैंड से बैठाया, बीच रास्ते में बस खड़ा कर दी और लोगों से किराया मांगा। ये अथवा रिक्शा ठीक है, रास्ते में खड़ी कर दी है, रास्ते में खड़ी कर दी है। ये मनमानी कर रहे हैं किराए के चक्कर में, रास्ते में लेके जा रहे हैं। ठीक है, रूट लेके जा रही थी और ये रास्ते में खड़ी कर दी। दिल्ली बाईपास की बात है भाई, ये देख लो भाई, ये प्राइवेट वाले परमिट मांग रहे हैं इस करके। हाँ हाँ, ये हाँ जी, किराए मांग रहे हैं क्या आपसे? अरे किराए मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, नहीं नीचे उतर रहे, ये बोल रहे हैं ना ये बातें? अच्छा अच्छा, उतर लो सारे सारे, पाइप बुलवाएंगे। अच्छा पाइप बुलवाएंगे, हाँ वो तो दिख रहा है। सरकारी बस स्टैंड पर मारता नहीं कही गई के बैठ जाओ, कोई किराए को नहीं उड़े बैठा है। अच्छा दो भाड़ा ले भी लिया इनने, मैं संद्रवास से वहाँ प्राइवेट से आई। अच्छा जी, वहाँ पर उन्होंने किराया मांगा मेरे से, हम रास्ते उतार दिए। मैं जीएम से मिली हूँ अब वहाँ। अच्छा अच्छा, जीएम क्या बोले? जीएम साहब ने उनको डांट लगाई।